चाहते हैं। वेरी गुड। कितने लोग मानते हैं कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं? कितने लोग मानते हैं? क्या बात होगी भाई, एक आधा आपको खड़ा करो। चले, देयर आर फ्यू हैंड्स, गुड। सो व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्थी गोल। किसी को टीचर बनना है, किसी को कोच बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को एमबीए मैनेजर बनना है, एचआर डिपार्टमेंट में जाना है, उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसलिए कहा सक्सेसिव रियलाइजेशन, एक एक स्टेप करके, वन बाय वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यू गोस लाइक दिस। अब कोई बच्चा पैदा हो उसको कहो पैदा होते ही दौड़ो, दौड़ पाएगा? यही करते हैं हम। पहले दिन आज कोई फॉर्म निकला आपने भर दिया, आज से ही स्टार्ट ड्रीमिंग, हम बन गए। ऐसा नहीं आपने एमबीए में एडमिशन लिया, लॉ में एडमिशन लिया, मान लिया कि हम सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं है। डिग्रीज ओनली स्टेप, उसके बाद भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी डे वी हैव सम प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज नॉट द प्रैक्टिस ओनली, इट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस दैट मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। हर रोज बातें करते हैं, टाटा फ्री प्लान चल रहे हैं, रिलायंस, दे आर विशेस ओनली, बिकॉज देर इज नो प्लान इन गोल। बिना प्लान के कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता, आपको अपना प्लान करना पड़ेगा। देन स्टेइंग मोटिवेटेड इज द मेन थिंग। हर रोज अच्छी मूवी देख के बाहर निकलते हैं, आज भी हम कुछ करेंगे, आज इस सेमिनार के बाद घर जाएंगे, सोचेंगे आज रात तक असर रहा, कल फिर वही रूटीन नॉर्मल। इसलिए कहा कि मोटिवेशन इज द रियल बैटल। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है? नेक्स्ट लाइफ, दीज आर द सिक्स एरियाज ऑफ लाइफ जो बैलेंस लाइफ जीने के लिए जरूरी है, फैमिली, फाइनेंस, करियर, फ्रेंड, सोशल लाइफ, हेल्थ। लास्ट वन इज स्पिरिचुअलिटी, ऑप्शनल है, कई लोग पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, कई नहीं चाहते। नेक्स्ट वन, यस, ह्यूमंस आर थिंकिंग सब्सटेंस। आप लोग जो सारे हैं ये आपके नाम नहीं है, जो वट एवर योर नेम्स आर, यू आर थिंकिंग सब्सटेंस, वो मेंटेलिटी है। सपोज समबडीज नेम इज प्रशांत एक्सेट्रा, प्रशांत इज ए थिंकिंग सब्सटेंस, ही थिंक्स लाइक प्रशांत, आई थिंक लाइक अनुपम, राइट। यू थिंक इन ओन वे। सेल्फ सजेशन और विजुअलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इसके लिए कि हर रोज रात को सोने से पहले रिव्यू आवर बनाइए अपना। रिव्यू आवर में आप क्या करने वाले हैं कि अगले दिन क्या करेंगे, इसका पूरे का पूरा जो है ब्रेन से सेटअप खींचना है। कैसे? जैसे आपका पेपर होता है उस दिन, उस रात को नींद आती है आपको? नहीं आती है। कोई इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वाली रात को नींद नहीं आती है, तो इंटरव्यू में क्या सवाल पूछेगा वो एग्जामिनर, क्या उसका पहला सवाल क्या होगा, आखिरी क्या होगा, कहीं मेरी ड्रेसिंग सेंस कहीं बुरी तो नहीं लग रही, ये पहली रात सोच लेते हैं। ये विजुअलाइजेशन दिमाग का प्रोसेस है कि कोई भी चीज बाहर घटित होने से पहले दिमाग के अंदर घटित होती है। आई कॉल इट थियरी ऑफ डबल वर्क। इसलिए सक्सेस का फार्मूला यही है, पहला फार्मूला जो मैं आपको आज बता रहा हूं, कि कोई भी चीज करने से पहले 5 मिनट आंख बंद करिए, उसको अपने अंदर होते देखिए, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि बाहर भी आप सो करके दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सक्सेस लाइज इन प्रॉपर सेल्फ एस्टीम। कई लोग गलत फहमी के शिकार होते हैं, कई लोग खुश फहमी के शिकार होते हैं, राइट। गलत फहमी का इलाज है, खुश फहमी का कोई इलाज नहीं, वो यकीम लुकमान के पास भी नहीं है। इसलिए कहा कि ना हाई एस्टीम चाहिए सोसाइटी को, ना लो एस्टीम चाहिए, दोनों डेंजरस है। क्रांतियां दो लोगों से आती है, हमेशा ध्यान रखना, लोअर तबका और ऊपर तबका, मिडिल क्लास का भी क्रांति नहीं लेके आई, आप पूरे रेवोल्यूशन उठा के देख लो। प्रॉपर सेल्फ एस्टीम क्या है? जो आप हो वो मानो, जो अपने सर्कमस्टांस है उसको एक्सेप्ट करो, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ये वो सजेशन है जो आपको याद रखनी है कि मैं इस धरती पे परमात्मा ने ऐसे ही नहीं बना दिया, परमात्मा नॉन सेंस चीजें नहीं बनाता, याद रखना। यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। बाइबल उठा के पढ़ो, जॉन फर्स्ट, पहली लाइन यही है कि यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, आई एम ए क्रिएटिव एंड पावरफुल बींग। अर्थ में से आर्ट निकालो, इट बिकम्स अर्थ, राइट।
पूरी की पूरी अर्थ जो है क्रिएटिव लोगों की वजह से दे आर अर्थ इज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिव पावरफुल ह्यूमन बींग्स. कॉन्फिडेंस बूस्टर क्या है? दो कार्ड बनाइए अपने पास रखिए, उसमें आपने अभी तक क्या क्या सक्सेस अचीव की है उन सक्सेस की लिस्ट रखिए, वो आपको मोटिवेशन देंगे. एंड दिस पॉजिटिव क्वालिटी रैकनर पी क्यू आर कि आपने कौन कौन सी क्वालिटी लाइफ के अंदर अपने अंदर डालनी है वो उसकी लिस्ट बना के रखिए, बार बार उनको रेफर करिए, आपको मोटिवेशन देंगे. नेक्स्ट फोल्डर, सेकेंड फोल्डर प्लीज. दिस इज द थिंग, व्हाट डू यू वांट? सही बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए. रात करके कुछ भी मिल गया, पड़ोसी ने क्या ड्रेस पहनी है वही ड्रेस चली. आई कैन गारंटी हर लड़की के पास एक पिंक ड्रेस है और हर लड़के के पास एक ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट है कि नहीं? ऐसा क्यों है? हमें पता ही नहीं व्हाट डू वी वांट. इसके लिए क्या करना है? आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने. एक साल का गोल, आई एम राइटिंग 4 books साइमल्टेनियसली. आई कंप्लीट 1 book इन 11 months, 1 year गोल. 3 year गोल कि मुझे किस किस जो फैमिली एरिया शो किए थे उस एरिया में क्या क्या करना है मुझे, राइट. 10 year गोल कि मुझे करियर वाइज सलाह बनानी है 10 year, एवरी 10 year तो मुझे क्या करना है, आई प्लान दिस. और मुझे ये नहीं सोचना कि मेरे सर्कमस्टांस क्या है, मैं कहां पैदा हुआ, मेरी हालात कैसी है, मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मैं कैसा दिखता हूं, मेरे दोस्त कौन है, मेरे मम्मी पापा कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से. आई शो यू ए वीडियो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. नेक्स्ट वीडियो.